हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज मैं मार्केट मोमेंट किस तरह के होता है वो मैं आप लोग को मैं बताने वाला हूँ। तो पहले आप लोग समझिएगा कि मार्केट कैसा होता है। तो जो बिगनर हैं उनके लिए ये वीडियो देखना ज़रूरी है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में इसको स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए मार्केट का मोमेंट क्या होता है। मार्केट का मोमेंट होता है वो थ्री टाइप का होता है। पहले आता है अप ट्रेंड, उसके बाद होता है डाउन ट्रेंड और तीसरा होता है साइडवेज। अप ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, और डाउन ट्रेंड में क्या है, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ से आता है, और अप ट्रेंड में क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ से जाता है, और साइडवेज मार्केट में मार्केट साइडवेज ही रहता है। तो वो कैसा सिनारो बनता है उसको मैं आप लोग को मैं अभी मैं बता रहा हूँ। तो प्लीज़ नए ट्रेडर हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा और समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। जो नए ट्रेडर हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं आप लोग को अभी मैं बेसिक से मैं इसको समझाऊंगा, वीडियो में बनाऊंगा। ये एपिसोड मेरा वन होने वाला है वीडियो। उसके बाद मैं धीरे धीरे करके मैं सारे वीडियो में अपलोड करूंगा। जैसे कि हम लोग को हुआ क्या कैंडलस्टिक है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, उसका ब्रेकआउट कहाँ पर होता है, उसके बाद ब्रेकडाउन कहाँ पर होता है, उसका डिटेल्स में आप लोग को मैं बताने वाला हूँ, वो भी मैं वीडियो बना के। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोग पहले हम सीखेंगे क्या मार्केट्स के मूवमेंट क्या होता है। मार्केट का मूवमेंट मैं आप लोग को पहले से बता दिया, पहला है अप ट्रेंड, सेकंड में होता है डाउन ट्रेंड और तीसरे में होता है साइडवेज। तो हम लोग पहले आएंगे अभी अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या होता है दोस्तों, देखिए अप ट्रेंड में मार्केट, ये मान लीजिए कि ये फ्लोर है, नीचे वाला है, तो आप लोग क्या करेगा, मार्केट यहाँ से ये ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, रिटेस्ट करेगा, उसके बाद फिर ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद रिटेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा, और मार्केट ऐसा ऐसा करके ही ये जाता है। इसको बोलते हैं अप ट्रेंड, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। फिर से बता रहा हूं, पहले मार्केट अप जाएगा, उसके बाद थोड़ा नीचे आएगा, रिटेस्ट करेगा, उसके बाद फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा। इसको बोलते हैं अप ट्रेंड, यानी कि मार्केट यहां से तो शुरू हुआ, यहां से फ्लोर से यहां से शुरू हुआ और ये ऊपर गया, उसके बाद फिर नीचे आया, यहाँ पे रिटेस्ट किया, उसके बाद ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, उसके बाद ऊपर गया। इसको बोलते हैं हम लोग का क्या है, अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड में मैं पहले मैं शुरू से ही ये बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये होता है मार्केट का अप ट्रेंड। मार्केट ओनली थ्री टाइप का ही होता है। अप ट्रेंड होता है, फर्स्ट में अप ट्रेंड जाता है, या तो सेकंड में मार्केट डाउन ट्रेंड जाता है, नीचे जाता है, या तो फिर साइडवेज रहता है थर्ड में, और इसका और कुछ नहीं है, बस इतना ही आप लोग को सीखना है। पहले नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, तो ये हो गया आप लोग का क्या, अप ट्रेंड। ये हो गया आप लोग का अप ट्रेंड। तो अभी मैं बताऊंगा डाउन ट्रेंड, ये हो गया डाउन ट्रेंड। आप लोग को मैं अभी बेसिक्स खाली मैं आप लोग को मैं बता रहा हूँ और कुछ नहीं, मैं धीरे धीरे करके मैं डिटेल्स में बता दूंगा। अभी मान लीजिए डाउन ट्रेंड कैसा होता है, डाउन ट्रेंड। अब ट्रेंड तो आप लोग को पता चल गया कि मार्केट कैसे जाता है। अभी डाउन ट्रेंड क्या होता है, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद ये नीचे आया, उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट करेगा, ये थोड़ा ऊपर चढ़ेगा, उसके बाद फिर नीचे आएगा, उसके बाद फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर
फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। ध्यान से देखिएगा मार्केट कैसे आता है, कैसा ये नीचे आता है, ऊपर से नीचे आता है। देखिए यहाँ मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद क्या करेगा, ये पहला नीचे आएगा, नीचे आया उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ये ऐसा ही आता है डाउन ट्रेंड में। और ये आप लोग का एक ठो रहेगा, ऐसा रहेगा, जैसा भी रहेगा, लेकिन मार्केट आप लोग को डाउन ट्रेंड में, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये पहले नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ये हो गया आप लोग का डाउन ट्रेंड। उसके बाद आता है साइडवेज। साइडवेज में क्या होता है, मार्केट ऐसा जाएगा, ऐसा गया, फिर ऐसा आया, नीचे आ गया, फिर अप गया, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, यानी कि मार्केट इसके अंदर ही रहेगा, एक वो जोन बनाएगा, समझे ना, मार्केट एक जोन बनाएगा। ये यहाँ से मार्केट यहाँ ओपन हुआ तो यहाँ से ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर नीचे आएगा, और एक वो एक सर्किल बनाएगा, सर्किल मीन्स एक डांस बॉक्स टाइप का बनाएगा ये, और इसका अंदर ही रहेगा, तो उसको बोलते हैं क्या, साइडवेज मार्केट बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, साइडवेज मार्केट। अभी आप लोग को समझ में आ गया होगा साइडवेज मार्केट क्या है, तो बस इतना ही है और कुछ नहीं है। मैं आप लोग को बता दिया हूँ साइडवेज मार्केट क्या है, अप ट्रेंड मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है, बस आज के लिए इतना ही, और मैं धीरे धीरे सब मैं आप लोगों को मैं बता दूंगा। तो मार्केट आप लोग को तीन टाइप का होता है, एक है साइडवेज, एक है पहला अप ट्रेंड है, उसके बाद डाउन ट्रेंड, उसके बाद साइडवेज मार्केट होता है। तो इसको पहले समझिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों।